स्कूटी को लाद करके लाया गया है, सिलेंडर गैस आपको दिखेगा। जो गरीब था वो बहुत गरीब हो गया, जो मिडिल क्लास का था वो और गरीब हो गया, और जो स्थिति है केवल उनके 5 दोस्त अमीर होते जा रहे हैं। आज कश्मीर फाइल की बातें हो रही है, लेकिन महंगाई के मुद्दे को आज क्यों नहीं डिवाइड किया जा रहा है? और मोदी सरकार गरीबों को हटाने के लिए काम करती है। मोदी सरकार का सपना कि देश का एक एक गरीब हट जाए, अपने जगह को, जमीन को, खेत को, खलिहानों को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रख दे। बीते 12 दिनों के अंदर 10वीं बार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, और पूरा देश महंगाई की मार से जो है त्रस्त है। और इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वो राजधानी रांची यानी कि राजभवन के ठीक बगल का इलाका है, और महानगर कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, महंगाई मुक्त भारत अभियान इसका नाम रखा गया है। आप देखिए कि ठीक मेरे बगल में जो है यहाँ पे ठेले पर स्कूटी को लाद करके लाया गया है, सिलेंडर गैस आपको दिखेगा, और इनको प्रतीकों के तौर पर यहाँ पर लाया गया है ताकि जनता के बीच में यह मैसेज जाए और जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं उस पर बातचीत हो सके। आज कांग्रेस के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है दीपू जी, गवर्नर हाउस में आदरणीय अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार रांची महानगर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ महाधरना दिया जा रहा है। ये गवर्नर साहब के माध्यम से मोदी जी को ये बताया जा रहा है कि पूरा झारखंड, पूरा देश इस महंगाई की मार से त्राहिमाम मांग रहा है। आखिर जिसके महंगाई की मार के नाम पर डायन खा जाएगी, उसके नाम पर आपने मोदी जी सत्ता पे आए और सत्ता में से सत्ता पर दोबारा काबिज हुए, आखिर ये महंगाई किसके लिए? आप ऐसा इंजेक्शन मार रहे हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ भगवान राम, आप उनको सुबुद्धि दें कि कम से कम आम जनता के बारे में सोचे कि जनता जो भूखे मर रही है, जो गरीब था वो बहुत गरीब हो गया, जो मिडिल क्लास का था वो और गरीब हो गया, और जो स्थिति है केवल उनके 5 दोस्त अमीर होते जा रहे हैं। आज भी किसी पेपर में मैंने देखा कि उनका इतना बिलियन डॉलर रेट, उनका पूंजी बढ़ गया है, बिलियन क्लब में शामिल हो रहे हैं। हाँ, मतलब कहने का सारांश यह है कि मोदी जी उन व्यापारी मित्रों के अलावे किसके लिए? आपको एक बात बताता हूँ, आपको याद होगा कि रिलायंस का पेट्रोल पंप हुआ करता था, एक और किसी का पेट्रोल पंप हुआ करता था, वहाँ 6 रुपया लीटर तेल आपके पेट्रोलियम इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से 6 रुपये ज़्यादा मिलता था वहाँ पे। लेकिन क्या बात है कि पूरा सब मिला करके सेम दाम हो गया, सुपर फाइन तेल वो लोग भेजते थे। आखिर दाम जब कम कर देंगे तो कैसे अपने दीपू जी, ये सारी बातें को हटा दिया जाए, जनता ये समझना चाह रही है कि कांग्रेस जो महंगाई मुक्त भारत का जो बात कर रही है वो कैसा होगा? महंगाई मुक्त भारत में क्या पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो कम हो जाएंगे, गैस की कीमतों में कमी आ जाएगी, क्या होगा? निश्चित रूप से जो आपके पास जो आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, आप अभी 10 रुपया कम किए थे, आज भी इतना है कि 16 रुपया प्रति लीटर आप एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं और लोगों को राहत दे सकते हैं। आप समझ लीजिए कि 1 लीटर डीजल का जो दाम आप बढ़ा रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है, उससे आम भाड़ा जो बढ़ रहा है उससे हर चीज़ में महंगाई बढ़, तेलहन दलहन जितने तरह के लोग उसमें सारे में महंगाई, खाने खाद्यान्न पदार्थ भारी होते जा रहे हैं, तो इसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन धरना जा रहा है। रमा जी, आप चूंकि राजधानी की मेयर भी रह चुकी हैं, जनता के बीच में महंगाई मुद्दा बन क्यों नहीं पा रहा है? मुद्दों पे आप लोग जनता को क्यों नहीं खींच करके ला पा रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी सवाल है आज के दिन में। आज राजभवन के सामने हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, 1 दिवसीय धरना दिया गया है, पूरे झारखंड में धरना दिया गया है। और ये जो आप जो सवाल किए कि मुद्दा क्यों नहीं जनता के पास जा रही है, ये निश्चित आज मीडिया में आप देखेंगे, आप खुद मीडिया वाले हैं, अगर मीडिया में अगर महंगाई का सवाल जहां तक होता है तो उस मुद्दे का, उस जो सवाल होता है उसको गौण कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। आज पेट्रोल की दामें इतनी बढ़ गई हैं, आज रसोई गैस की दामें इतनी बढ़ गई हैं, आज खाने के तेल का दाम बढ़ गई है, दवाइयाँ का दाम बढ़ गया है, बच्चों के किताब कॉपियों का दाम बढ़ गई है, और पूरे लोग कह रहे हैं, त्रस्त हैं आज महंगाई से। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से जो आज इस चीज़ को उठाना चाहिए, आप तो एक चौथे स्तंभ है, मीडिया चौथे स्तंभ है, आप नेशनल में भी हम देखते हैं कि आप ये आरोप लगा रही हैं कि मीडिया की गलतियों के वजह से जो है जनता जो है महंगाई जैसे मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, विपक्ष मतलब सब ठीक ठाक कर रहा है। नहीं नहीं, मैं मीडिया को आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन जो नेशनल चैनल है आज के दिन में, नेशनल चैनल आज के दिन में जो
मुद्दे होते हैं उस मुद्दों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। आज कश्मीर फाइल की बातें हो रही है लेकिन महंगाई के मुद्दे को आज क्यों नहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। आज बहुत सारी महंगाई इस तरह से आ जा रही है, आज जनता को ये बताया नहीं जा रहा है कि 2 किलो सरसों का तेल आज हम परोस रहे हैं, रसोई की गैस 1000 से ऊपर चली गई है, इसको लोगों को नहीं बताया जा रहा है। इसमें डिबेट भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं। इस कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मैं मीडिया को दोष नहीं दे रही हूँ, मीडिया एक आईना होता है। और आज जिस प्रकार से आज राज्य स्तरीय हमारा एक विशेष धरना है, आप झारखंड में हैं, झारखंड में आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये आम जनता तक ये बातें जाएंगी, हम लोग आम जनता तक, पंचायतों तक लोगों को बताने का काम करेंगे। जनता इस बात को जान रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से वो कहते थे कि महंगाई की मार और मोदी सरकार, इस बार हम लोग कहेंगे कि महंगाई की मार और हम लोग खुद अपनी सरकार लाने पे हम लोग इस पे आमादा रहेंगे। गांव गांव तक जाएंगे, जनताओं के बीच में जाएंगे और ये जनता इस बात को समझ रही है कि काफ़ी महंगाई हो गई है। आज बच्चों के किताब महंगा हो गया, दवाइयाँ महंगे, जनता जाए तो जाए, कहाँ जाए। इस मुद्दों को लेकर के हम लोगों को जाना है और निश्चित रूप से इस बात को अब जनता समझ रही है धीरे धीरे, लेकिन खुल करके नहीं आ रही है। अब खुल करके कैसे आए 2024 के चुनाव में, हम लोग इस चीज़ को बताने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से जो है राजभवन के समक्ष अभी जो झारखंड में मंत्री भी हैं मंसोरेन की सरकार में, रामेश्वर उराव, आलमगीर आलम, बंधु तिर्की जो कि विधायक रहे मांडर से, और अब जबकि उनको सजा हो गया है आय से अधिक संपत्ति मामले में, तो उनकी विधायकी हालांकि जा सकती है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि वो जो है महंगाई के मुद्दे पर यहां पे लगातार जमे हुए हैं। और महानगर कांग्रेस का जो एक कार्यक्रम है कि महंगाई मुक्त भारत का जो सपना, आप देखिए कि जो अभियान कांग्रेस के तरफ से बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें यहाँ पे बहुत सारे जो नेता हैं, खास करके झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग एक कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। और आप ये देखिए कि महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं संजय पांडे, कैसे महंगाई मुक्त भारत अभियान कैसे सफल होगा? निश्चित तौर पर सफल होगा, कोई भी कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की ताकत से सफल होता है। हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का नेतृत्व पहले यह नहीं समझता था कि आंदोलन करना है और जनता की आवाज बनना है तो कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ना होगा। आज का प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व इस बात को समझ गया है कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे, कार्यकर्ताओं को ताकत देंगे तो वो जनता के बीच में जनता के आवाज बनने का काम करेंगे। और आज जो मोदी सरकार जनता के इमोशन के साथ, सेंटिमेंट के साथ माइंड गेम खेलने का प्रयास कर रहा है, उस माइंड गेम को मिटाकर हम फिर से गांधी बनाम गोडसे की लड़ाई में गांधी की विचारधारा को जिंदा करेंगे। और ये सरकार जो अडानी अंबानी के हाथों देश को गिरवी रखना चाह रही है और 1947 के पहले का भारत बनाना चाह रहा, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। और 2024 में सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में इस केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का काम देश की जनता के सहयोग से करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि महंगाई मुक्त भारत तभी बन पाएगा जब कांग्रेस सरकार में आ जाएगी? निश्चित तौर पर, कांग्रेस गरीब जनता के लिए काम करती है और मोदी सरकार गरीबों को हटाने के लिए काम करती है। मोदी सरकार का सपना कि देश का एक एक गरीब हट जाए, अपने जगह को, जमीन को, खेत को, खलिहानों को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रख दे। आज पेट्रोल की दाम हो, डीजल की दाम हो, आप देखें किस तरह से सरकारीकरण को हटाकर निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और ये केवल और केवल आम जनता के खून चूसने का प्रयास किया जा रहा है। देश के फेकू प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि उनके बाद भी उनकी जगह कोई सरकार में ले सके और आने वाले समय में अपने जो व्यवसायिक मित्र हैं उनके लिए एक 100 साल 200 सालों का एक संपत्ति, एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेताओं को जो कि महंगाई के विरोध में एक कार्यक्रम के दौरान यहां पर पहुंचे हैं जो कि महानगर कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया है। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के बड़े नेता भी मौजूद हैं और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी मौजूद हैं। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in